गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आपका सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज का जो अपना मैथ का टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, भाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल। ठीक दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको भी पता है, क्योंकि ये हर कैलकुलेशन में काम आता है। जहां भी हम कैलकुलेशन करते हैं वहां ये टॉपिक काम आता है, भाज्यता के नियम, कि कोई संख्या किससे भाज्य होगी। अगर मैं कहूं एक नंबर हम लिखे हैं, हमने लिख दिया 653, इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अगर कैलकुलेशन की दृष्टि से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, भाज्यता के नियम। दोस्तों जैसे कि अपनी और भी कई क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, साइंस की क्लास थी, रीजनिंग की हम एक दो क्लास डाल चुके हैं, मैथ की नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, नंबर सिस्टम का ही एक भाग है, तो नंबर सिस्टम की क्लास है ये। तो आज दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, भाज्यता के नियम। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी देखा होगा कि भाज्यता के नियम हम कौन कौन से पता है, 2 से भाज्यता का नियम, 3 से। जैसे अगर हम लिखें किस किस से भाज्य पढ़ सकते हैं, 2 से भाज्यता का नियम, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19, 23, 29। तो ये दोस्तों बहुत सारी ऐसी संख्या हमने लिखी हैं जिनसे हम भाज्यता के नियम पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई इसमें से कुछ अंक गायब है। अगर मैं कहूं 6 से भाज्यता का नियम क्या है, तो आप एक बात ये भी तो अनुमान लगा सकते हो कि जो संख्या 2 से भाज्य होगी, जो संख्या 3 से भाज्य होगी, वो संख्या 6 से तो भाज्य होगी होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं 4 से भाज्यता का नियम क्या है, हम क्या देख सकते हैं, 2 का 2 बार देख सकते हैं। तो मैन अगर इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो भाज्यता के नियम कौन कौन से होते हैं, जैसे हम 7 की बात करें, हम 11 की बात करें, हम 13 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 23 की बात करें और 29 की बात करें, ये ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। आपको पता ही है अभाज्य संख्या है। अगर मैं कोई भाज्य संख्या लूं, अगर अपन एक संख्या लिखें कि भाई 12 से भाज्यता का नियम क्या होगा, तो हम क्या करके देख सकते हैं, 12 के टुकड़े क्या होंगे, 4 और गुना 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या 4 से भाज्य होगी, जो संख्या 3 से भाज्य होगी, वो किससे भाज्य होगी, 12 से भाज्य होगी होगी। जैसे मैं कहूं 15 से भाज्यता का नियम क्या होगा, अब आप ही बताओ कैसे लिखेंगे, 15 के टुकड़े क्या कर सकते हैं, 5 गुना 3। इसका मतलब जो संख्या 5 से भाज्य होगी, जो संख्या 3 से भाज्य होगी, वो किससे होगी, 15 से, तो भाज्य होगी होगी। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्या है, भाज्यता के नियम। हम जो मैन में हमारी संख्या होती है जो भी कैलकुलेशन में काम आती है, वो कैसे, 7 हो गई अभाज्य संख्या है, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, इनके क्या पढ़ेंगे, हम भाज्यता के नियम दोस्तों पढ़ेंगे, उदाहरण सही। चल दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहले किससे, 2 से ही शुरुआत करते हैं, इनको तो लिखा रहने देते हैं। जो हमको हम इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, वो ये पढ़ने हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भाज्यता के नियम। आपको बताए कई बुक की, कई किताबों की अगर हम बात करें, ठीक है, कई किताबों में जो हमको भाज्यता के नियम दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, लास्ट 11 तक दिए हुए हैं, 13 तक दिए होते हैं, 17 का दिया हो कुछ किताबों में, लेकिन जो 23 का 29 का और जो अभाज्य संख्या होती है उनके भाज्यता के नियम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 2 से। अगर मैं कहूँ 2 से भाज्यता का नियम क्या होगा, आपको सबको पता है, तो 2 से भाज्यता का नियम क्या होगा कि ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इकाई अंक जिनका ये होगा वो संख्या किससे भाज्य होगी, 2 से पूरी पूरी तरह भाज्य होगी। जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं, मैं 68 की बात करूं, 68 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इकाई अंक क्या है, 8 है। या हम ये कह सकते हैं जितनी भी सम संख्याएं हैं, क्या जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती है, 2 से भाज्य होती है, बिल्कुल आसान है। तो 2 से भाज्यता के नियम क्या हुआ, सारी सम संख्याएं, सम संख्या मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से होगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। जैसा अगर हम बात करें 654 2 से भाज्य है या नहीं, बिल्कुल है, क्यों, इकाई अंक क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या हो गया, 2 से भाज्यता के नियम। अब बात करते हैं 3 से भाज्यता के नियम क्या है, कि मैं कहूं कि कौन सी संख्या है जो वो 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी, डिविजिबिलिटी रूल, 3 से भाज्यता का नियम। तो दोस्तों 3 से भाज्यता के नियम में हमको क्या बात ध्यान रखनी है, कि हम ये मत कह देना कि भाई 3 से भाज्यता के नियम इकाई अंक विषम संख्या, नहीं। तो 3 से भाज्यता के नियम क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग कितना हो, अंकों का जो योग हो वो 3 से पूरी पूरी तरह भाज्य हो,
तो वह संख्या भी क्या होगी, तीन से भाज्य होगी। अगर उस संख्या के अंकों के योग में तीन का भाग जा रहा है तो उस संख्या में तीन का भाग जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 6, 5 और 4, ठीक है। अगर मैं बात करूं यह संख्या तीन से भाज्य है यानी 654, तो हमको क्या देखना है, इसके अंकों के योग को जोड़कर देखना है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, क्या 15 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब 654 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 3 से भाजकता का नियम क्या हुआ, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। जैसे मैं ये कह दूं 9003, बताओ 3 से भाज्य है या नहीं, बिल्कुल है। कैसे पता, 9 और 3 को जोड़कर देखा कितना आया, 12, 12 3 से भाज्य होता है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। तो अपने दो नियम हो सकते हैं, हो चुके हैं, कौन कौन से, 2 से भाजकता का नियम इकाई का अंक सम, 3 से भाजकता का नियम क्या करेंगे, अंकों का योग करके देखेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, 4 से भाजकता का नियम, एक बार रुक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, जिनको एग्जाम्पल देखने हो स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ रहे हैं हम 3 से भाजकता का नियम, 2 से हमने भाजकता का नियम पढ़ लिया, 3 से भाजकता का नियम पढ़ लिया, अगली संख्या कौन सी आती है, 4 से भाजकता के नियम। तो 4 से भाजकता का नियम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन सी संख्या होगी जो 4 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उस संख्या के अंतिम दो अंक, उस संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से भाज्य है तो वे पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। अंतिम दो अंक का मतलब इकाई और दाई का दो अंक होता है। जैसे हमने कोई भी बड़ी संख्या ले ली, हमने यहां संख्या ले ली है ये, अब हमको ये देखना है इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमको क्या देखना है, अंतिम दो अंक क्या है, 24, क्या 24 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 4 से भाजकता का नियम क्या हुआ, ऐसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक यदि 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, 32548, अगर मैं कहूं बताओ 4 से भाज्य है या नहीं, बिल्कुल है। क्यों, अंतिम दो अंक क्या है, 48, 48 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब इस संख्या में क्या चला जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 4 से भाजकता का नियम बिल्कुल आसान है, क्या करना है, संख्या के अंतिम दो अंक में किसका भाग देके देख लो, 4 का, यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। अब बात करते हैं आगे दोस्तों 5 से भाजकता का नियम, किससे करते हैं, 5 से भाजकता का नियम। अगर वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक इसलिए देखना क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्या, जब ये 19 से भाजकता का नियम आएगा, 23 से भाजकता का नियम आएगा, 29 से भाजकता का नियम आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जो हम बता रहे हैं पहले ये हमसे लगभग लगभग सबको आते हैं, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखना है। चलो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, अब बात करते हैं 5 से भाजकता का नियम, किससे, 5 से। तो 5 से भाजकता का नियम आपको बताइए कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अब किससे पढ़ रहे हैं कि कौन सी संख्या है जो 5 से भाज्य होगी, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक कहो या क्या कहें इकाई का अंक, या क्या कहें इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, तो संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो। जैसे हमने एक संख्या लिख दी 625, 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इकाई का अंक क्या है, 5। हमने एक संख्या लिख दी 1005, 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमने संख्या लिख दी 270, बताओ 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इकाई का अंक क्या है, 0। तो 5 से भाजकता का नियम क्या हो गया, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का क्या हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे 6 से भाजकता के नियम के बारे में, किससे, 6 से भाजकता का नियम कंटिन्यू बताएंगे, सारे बता देंगे 30 तक लगभग लगभग, क्योंकि 30 तक ही हमको अधिकतर ज्यादातर कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है। 6 से भाजकता का नियम, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई संख्या 6 से भाज्य है या नहीं, उसके लिए हमको क्या करना है, अब तुम ये बताओ 6 किस किस से मिलकर बना हुआ है, 6 किस किस से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3 से, किस किस से, 2 और 3 से। इसका मतलब यदि कोई संख्या 2 से भी भाज्य हो और यदि कोई संख्या 3 से भी भाज्य हो तो ऑटोमेटिक क्या होगी, 6 से भाज्य होगी ही होगी। जैसे अगर हम एक अंक लिखें, मैं बात करूं एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
हमने ले लिया 120, ठीक है। 120 में बताओ दो का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, एकाएक अंक जीरो है। तीन का भाग जाता है, कैसे देखेंगे, अंकों का योग करो, दो रेख थी, बिल्कुल भाग जा रहा है। इसका मतलब 120 में छह का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो छह से भाज्यता का नियम हम क्या देख रहे हैं कि संख्या दो से भी भाज्य होनी चाहिए, संख्या तीन से भी भाज्य होनी चाहिए। जैसे हम बात करें 480, बताओ दो का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्या इकाई अंक क्या है, जीरो। तीन का भाग जा रहा है, देखो आठ और चार बारह, बारह में तीन का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी तीन का भाग जाएगा। और जब दो का जाएगा, तीन का जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या बात है भाई, छह का तो जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, छह से भाज्यता के नियम, क्या क्या देखना है, दो का देखना है और तीन का देखना है, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं आगे। अब हमने चार नियम पढ़ लिए हैं, किस किस से, दो तीन चार पांच छह। दो के लिए क्या देखना है, इकाई का अंक सम होना चाहिए। तीन के लिए क्या देखना है, अंकों का योग। चार के लिए क्या देखना है, अंतिम दो अंक। पांच के लिए क्या देखना है, इकाई का अंक जीरो या पांच हो। और छह के लिए क्या देखना है, दो का भाग देकर देखो और तीन का भाग देकर देखो। अब करते हैं इंपॉर्टेंट बात, किसके लिए, सात के लिए, कि भाई सात से भाज्यता का नियम क्या होगा, कि वह कौन सी संख्या होगी जो किससे भाज्य होगी, सात से भाज्य होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि हमने बात कर ली, छोटे छोटे अंक लेते हैं, जैसे 343। अब हमें यह देखना है 343 में सात का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों सात से भाजकता के नियम में क्या करना है, एग्जाम्पल देखो यहां लिख देते हैं। सात से अगर हमको भाजकता का नियम करना हो तो क्या करना है, जो इकाई का अंक हो, जो इकाई का अंक हो या जो अंतिम अंक हो, इकाई का अंक या अंतिम अंक को पांच से गुना करना है। पांच से गुना कर, अंतिम अंक को पांच से गुना कर शेष भाग में, शेष भाग में जोड़ने पर, शेष भाग में जोड़ने पर प्राप्त अंतिम संख्या, प्राप्त अंतिम संख्या यदि सात से भाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगी, सात से भाज्य होगी। तो हमको करना क्या है, दोबारे को रिपीट कर देते हैं, जो इकाई का अंक है, जो अंतिम अंक है, उसको किससे गुणा करना है, पांच से। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इन सब में यही ट्रिक लगेगी कि यहां जब पांच से गुणा कर रहे हैं, किसी में चार से करना पड़ेगा, किसी में तीन से करना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखना, एक ही तरीका लगाएंगे हम, जितने भी पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के उनमें एक ही तरीका लगा के चलेंगे, कौन सा गुणा करने का। अब हमको क्या करना है, मान के चलो 343 हमको जांच करना है सात से भाज्य है या नहीं। मैंने क्या बताया, अंतिम अंक को किससे गुणा करो, पांच से। इसको पांच से गुणा करेंगे तो पांच थे क्या आ गया, पंद्रह। इस पंद्रह को शेष बचे हुए भाग, बच क्या रहा है, चौतीस, तो इसमें जोड़ देंगे। चौतीस में कितना जोड़ देंगे, पंद्रह, ये कितना आ गया, उनचास। अब बताओ उनचास में सात का भाग जाता है नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब 343 में भी किसका, सात का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, सात से भाज्य के, सात से भाजकता का नियम देखने के लिए इकाई के अंक को या अंतिम अंक को पांच से गुणा कर शेष भाग में जोड़ने पर, शेष भाग में जोड़ने पर जो प्राप्त अंतिम अंक होगा, ये जो प्राप्त संख्या होगी, यदि सात से भाज्य है तो इस दी हुई संख्या भी क्या होगी, सात से भाज्य होगी। कुछ और एग्जाम्पल लेते दोस्तों इसके, सात से भाजकता के नियम के देखो लिखते हैं, जिनमें सात से भाजकता का नियम काम आ रहा हो, नियम लिखा रहता हो ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ दो तीन संख्या इकट्ठी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3983, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लिया 6237, एक एग्जाम्पल और ले लिया 13265। तो दोस्तों हमको ये देखना है, ये तीन अंकों संख्याएं दी हुई है, ये सात से भाज्य है या नहीं। तो लगाओ कोई तरीका, क्या करना है, इस अंक को किससे गुणा करना है, पांच से, और शेष वाले में जोड़ना है। तो करो पांच से गुणा, पांच थी पंद्रह। अब पंद्रह किस में जुड़ जाएगा, 398 में कितना जोड़ दो, पंद्रह जोड़ दो, पंद्रह ऐड कर दो। तो आठ और पांच 13, नौ और एक 10, और एक 11, तीन और एक 4। अब क्या बचा, 413, फिर किसका गुणा करना है, पांच का। इसमें आगे चलती रहनी है प्रक्रिया जब तक छोटा अंक ना आ जाए। पांच से गुणा करो, पांच दिया 15, 15 किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, 15 जोड़ो, पांच और एक 6, और चार और एक 5, 56। अब बताओ 56 में सात का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब जो ये हमको संख्या दी हुई है, इसमें भी क्या जाएगा, सात का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो क्या करना है, अंतिम अंक को पांच से गुणा कर शेष भाग में जोड़ना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
करो 5 से गुणा, 7 पंजे 35, 35 को किसमें जोड़ना है, शेष बचे हुए भाग में जोड़ो, 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 6, फिर किससे गुणा करना है अंतिम अंक को, 5 से 8 पंजे 40, 40 से में जोड़ने कितना आया 5, 6 और 4 10, आगे करके देख सकते हो, वैसे हम अनुमान लगा सकते हैं 105, 105 में 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो ये जो दिया हुआ अंक है ये भी क्या होगा 7 से पूरा पूरा भाज्य होगा। एक आपके लिए एग्जांपल के लिए छोड़ दिया है ना, इसको आपको निकालना है, उत्तर देना कमेंट बॉक्स में कि 7 से भाज्य है या नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, जिनको नहीं पता देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ध्यान रहे, नियम जरूर ध्यान रख लेना, या कॉपी पेन लेके लिख सकते हो आप, कॉपी पेन लेके वीडियो को रोक कर नियम लिख सकते हो। अगले नियम पढ़ेंगे 13 से भाजकता का नियम, 7 से हो गया ठीक है, अब इनके बारे में बात करेंगे ठीक है, 7 के बाद अगला कौन सा आएगा, 13 से भाजकता का नियम, 7 के बाद 13 से भाजकता का नियम, तेरे से भाज्य कोई संख्या है वो तेरे से भाज्य होगी या नहीं होगी हमको देखना है। तो दोस्तों वहां इकाई के अंक को किससे गुणा किया था, 5 से, यहां ध्यान रखना है इकाई के अंक को, इकाई के अंक को 4 से गुणा कर, अब किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है, और बाकी क्या काम करना है वही गुणा कर शेष भाग में जोड़ने पर, जो शेष भाग बचेगा शेष संख्या बचेगी, शेष संख्या में जोड़ने पर यदि प्राप्त संख्या, शेष संख्या में जोड़ने पर यदि प्राप्त संख्या किससे 13 से भाज्य है, 13 से भाज्य है तो दी हुई संख्या भी 13 से भाज्य होगी, तो दी हुई संख्या भी 13 से भाज्य होगी, दी हुई संख्या भी क्या होगी 13 से भाज्य होगी। अब दोस्तों एग्जांपल लेते हैं इसके कुछ, किसके 13 से भाजकता के नियम, कौन कौन संख्या ले सकते हैं 13 से, कौन कौन संख्या भाज्य होगी या नहीं होगी, हम केवल संख्याएं देख रहे हैं नियम अपना वही लगाएंगे। जैसे 13 से भाजकता के नियम में अब एक संख्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया इधर लिख देते हैं एग्जांपल करके है ना, 14131 ठीक है, अब बताना है 13 से भाज्य है या नहीं, बताओ इकाई के अंक को किससे गुणा करें 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, शेष बचे हुए भाग में जोड़ दो, जोड़ो 4 और 3 7 1 4 और 1, फिर किससे गुणा करना है 4 से, 4 सत्ते 28, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 169, अब 169 दिख गया, क्या दिख गया 13 से भाज्य है, अगर नहीं पता लगे और आगे गुणा करके देख लो, फिर किससे गुणा करो 4 से, 9 चौका 36, 36 में जोड़ दो, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, क्या गया 52, बताओ 52 भाज्य है 13 से, बिल्कुल है, इसका मतलब जो ये संख्या हमको दी हुई है ये भी क्या होगी 13 से भाज्य होगी। तो 13 से हम क्या 7 से भाजकता के नियम में किससे गुणा कर रहे थे 5 से गुणा कर रहे थे, 13 से भाजकता के नियम में किससे गुणा करेंगे 4 से, देखो याद ऐसे रख लेना 13 से भाजकता का नियम गुणा किससे करना है 4 से, 3 और 1 4 रह जाएगा, 13 से भाजकता के नियम अगर पढ़ रहे हैं तो 3 और 1 4, 4 से गुणा करो किसमें इकाई के अंक और शेष वाले में जोड़ते चलो। एक और सर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल आप बताना, जैसे 15405, 15405 हमको देखना है 13 से भाज्य है या नहीं है, तो इकाई के अंक को किससे गुणा करना है 4 से, शेष भाग में जोड़ देना 4 पंजे 20, जोड़ो 0651, फिर किससे गुणा करना है 4 से, तो 0 आएगी तो 0 जुड़ेगा तो कितना बचेगा 156, अब 156 बचेगा तो 156 में किसको गुणा करो 4 को, 4 6 की 24, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39, बताओ 39 13 से भाज्य होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है, इसका मतलब ये दी हुई संख्या भी क्या होगी 13 से भाज्य होगी, समझ आया। 7 से भाजकता के नियम में किससे गुणा करते हैं 5 से, 13 से भाजकता के नियम में किससे गुणा करते हैं 4 से। एक बार इसकी नोट ले लो, एक और एग्जांपल लिख देते हैं जिसको आपको करके देखना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। जैसे 76 76 ये अपन को करके देखना है, और देखना ही ये संख्या 13 से भाज्य है या नहीं, नियम को लगा के देखना है। आगे दोस्तों किसका पढ़ना है हमको 19 से भाजकता का, 19 सॉरी 13 हो गया, आगे 17 से भाजकता का नियम, किससे 17 से भाजकता का नियम, बता दे रोके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना,
17 से भाजकता का नियम। सम में ये चलेगा, इकाई के अंक वाला चलेगा सम में, जितनी भी हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे उन सम में इकाई के अंक वाला नियम लग जाएगा। आगे हमको पढ़ना है 17 से भाज्य कि कोई संख्या है वो 17 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों वही बात, हमने क्या 7 का पढ़ा, 7 के लिए किसका गुणा किया 5 का, चलो यही साथ साथ एग्जांपल बता देते किसका गुणा किया था 5 का, ठीक है। फिर हमने 11 का पढ़ा किसका गुणा किया था 4 का, फिर हमने 13 का पढ़ा नहीं 5 के में किसका गुणा किया था 5 का, ठीक है 7 के में, 11 के में किसका गुणा किया था 4 का। अब किसका पढ़ना है हमको 13 का 17 का, 17 से भाज्य, तो 17 से अगर भाजकता का नियम पढ़ना हो तो इसमें गुणा करेंगे 12 का, इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे 12 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक को किससे गुणा करना है 12 से, और शेष बचे हुए भाग को उसी में ही जोड़ देना, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं एक बार करते हैं गुणा, 17 से भाज्य कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसको देखेंगे कि ये संख्या 17 से भाज्य होगी या नहीं होगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं 17 से भाजकता का नियम, जैसे हमने संख्या ले ली 9656। अब इसको देखना 17 से भाज्य है या नहीं, अब इकाई के अंक को किससे गुणा करना है 12 से, 12 से गुणा करो 72, 72 को शेष बचे हुए भाग में जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 9 और 1 10, फिर किसका गुणा करो 12 का, 72 12 7 84 शेष बचे हुए भाग में जोड़ दो 4 और 3 7 8 1, फिर किसका गुणा करो 12 का, फिर भी कितना आएगा 84, 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10, 102, 102 को फिर किसका गुणा करो 12 का इकाई के अंक को, 12 दूनी 24 कितना आया 4 और 3 क्या है लास्ट में 34। क्या 34 17 से भाज्य है, बिल्कुल है, इसका मतलब जो दी हुई संख्या भी वो भी क्या होगी 17 से भाज्य होगी, दी हुई संख्या भी क्या होगी 17 से भाज्य होगी। दोस्तों एक चीज और बताएं, हमने 7 अभी 11 का छोड़ा है, 11 का भी बच रहा है, हमने क्या पढ़ा 7 का पढ़ा किसका गुणा करते हैं 5 का, हमने 13 का पढ़ा किसका गुणा करते हैं 4 का, हम 17 का पढ़ रहे हैं किसका गुणा कर रहे हैं 12 का। 11 से भाजकता का नियम हम बताएंगे बिल्कुल लास्ट में, 11 से भाजकता का नियम है उसको बताएंगे मंत्र में, क्योंकि उसमें इकाई सम अंकों पर आने वाली संख्या और विषम अंकों में आने वाली संख्याओं के हिसाब से बताएंगे, गुणा करने में बहुत लेंथी हो जाएगा फिर वो, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, ये होगा 17 से भाजकता के नियम, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि आपको ध्यान रहे। चलो फिर करते हैं अगला, नेक्स्ट शुरू, नेक्स्ट पढ़ना है किसका, 17 का हो गया, 19 का 23 का और 29 का, ठीक है किसका 19 का 23 का और 29 का एक साथ ही लिख देते हैं ना, 19 से भाज्य पहला, दूसरा 23 से भाज्य और तीसरा कौन सा है 29 से भाज्य। तो हमने तीन कौन कौन से ले लिए, 19 से भाज्य, 23 से भाज्य और 29 से भाज्य। तो दोस्तों वही गुणा करना है, इधर गुणा करना है 2 का, किससे इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, बाकी वही नियम लगाना है, यहां गुणा करना है 7 का और यहां गुणा किसका करना है 3 का। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि अगर 19 से भाज्य निकालना हो तो इकाई के अंक को किससे गुणा करो 2 से गुणा करो, शेष बचे हुए भाग में जोड़ दो। अगर 23 का निकालना है तो इकाई के अंक को किससे गुणा करो 7 से गुणा करो, शेष बचे हुए भाग में जोड़ दो। अगर 29 का निकालना है इकाई के अंक को किससे गुणा करो 3 से गुणा करो और किस में जोड़ दो, शेष बचे हुए भाग में जोड़ दो। अब तीनों का लिख लेते हैं हम एक एक एग्जाम्पल, तीनों के एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं किस किस का। पहले लिखेंगे हम 19 के लिए, 19 के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान के चलो एग्जाम्पल ये लिख देते हैं कि 14326, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं 23 के लिए, 23 के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 33971, और दोस्तों तीसरा 29 के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके लिए हमने एग्जाम्पल हमने ले लिया 24795। तो दोस्तों तीनों हमने एग्जाम्पल ले लिए, तीनों को एक बार करके देखेंगे, इसमें किसका चेक करेंगे 19 का, इसमें किसका चेक करेंगे 23 का, इसमें किसका चेक करेंगे 29 का, ठीक है। अब बताओ 19 से भाजकता का नियम जांचने के लिए किसका गुणा करते हैं 2 का,
इसको उधर ले लें तो क्लियर दिखेगा। 14,300 जो संख्या लिख रही है 14,326 किसका गुणा करो, दो का गुणा करो, इकाई का हमको बाकी वही नियम लगाओ, 6 × 12 जोड़ते चलो, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 4, 4 = 1 फिर किसका गुणा करो, 2 का, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 5 = 1 152 में फिर किसका गुणा कर दो, 2 का, 2 × 2 = 4, 15 × 4 = 19 बताओ 19 में 19 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब इस दी हुई संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 19 का भाग चला जाएगा। आए दोस्तों वही नियम है, अभी का इकाई को किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना। आ जाओ 23 के लिए एग्जाम्पल है, इसको हटा दे, इसको ले लेते 23 वाले एग्जाम्पल को। अब इकाई खंड को किससे गुणा करना है, 7 से करो दोस्तों, 7 से गुणा, 7 × 1 = 7 इसको छोड़कर शेष वाले में जोड़ते हैं ठीक है, तो करो 7 × 7 = 14, 9 × 1 = 10, 3 × 1 = 4 और 3 फिर किससे गुणा करो, 7 से, 7 × 28, 8 × 6 = 3 फिर किससे गुणा करो, 7 से, 7 × 2 = 56, 6 × 6 = 12, 5 × 3 = 8 और 1 = 9, 92 में 23 का भाग जाता है नहीं जाता, बिल्कुल पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, किसका, 23 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब लास्ट कौन सा बचा दोस्तों, 29 का, 29 से भाजकता के नियम में किसका गुणा करते हैं, 3 का, संख्या अपने पास है ही, इसको हटा देते हैं ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, संख्या क्या है, 24,795 किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करो, 5 × 3 = 15, शेष बचे और भाग में जोड़ो, 9 × 5 = 14, 7 × 1 = 8, 8 × 1 = 9 यहाँ कितना आया, 4, यहाँ कितना आया, 2 फिर किसका गुणा करो, 3 को, 3 × 14 = 12, 9 × 2 = 11, 4 × 1 = 5, 5 × 1 = 6, 261 फिर किसका, 3 का, 3 × 1 = 3, 26 × 3 = 29, 29 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस दी हुई संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 29 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब दोस्तों इसको यदि हम कंटिन्यू करके लिखें, इसी को हम अगर टेबल के रूप में लिखें तो टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे, एक बार अगर जिनको नहीं पता हो वीडियो रोक के क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, एक बार वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अपन थोड़ी सी अब बता देते हैं जल्दी किसका, 11 का भाजकता का नियम, कि कोई संख्या 11 से भाज्य होगी या नहीं होगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 121, एग्जाम्पल क्या ले लिया, 121। अब हमको दोस्तों क्या देखना है कि एक एग्जाम्पल और लेते 1331, दो हमने एग्जाम्पल ले लिया 121, दूसरा एग्जाम्पल कौन ले 1331, अब देखना इसमें 11 से भाज्य है या नहीं, या एक एग्जाम्पल और लेते हैं 11 × 11, चलो छोड़ो यही है, दो एग्जाम्पल बहुत है ना। इसके लिए 11 से भाजकता के नियम में क्या करना है कि जो अंक अगर हम इधर से शुरू करें, ये पहले स्थान पर आ रहा है, ये दूसरे स्थान पर आ रहा है, ये तीसरे स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से स्थानों पर आ रहा है, विषम स्थानों पर है दोनों, और ये क्या सम स्थानों पर, तो इसमें क्या करना है, ऐसे अंक जो सम स्थान पर है और ऐसे अंक जो क्या है विषम स्थान पर है, कोई सा भी लिख सकते हो, या सम स्थान या विषम स्थान, इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 11 से भाज्य होना चाहिए। सम और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या क्या हो, 11 से भाज्य हो, तो वह संख्या भी क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। जैसे 121 में देखते हैं सम स्थान पर कौन सा आ रहा है, 1 ठीक है, और कौन सा आ रहा है विषम पर, 1 और 1 = 2, और सम स्थान पर कितना है, 2, अंतर कितने का, 0 का, इसका मतलब 121 क्या होगा, 11 से भाज्य होगा। इसमें देखते हैं सम स्थानों पर, स्थान लिख देते हैं 1, 2, 3 और 4, सम स्थान विषम स्थानों को देखो 1 और 3 = 4, सम स्थान 4 कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। तो 11 से भाजकता के नियम में हमको क्या करना है, जो सम स्थानों पर आ रहे हैं और जो विषम स्थानों पर आ रहे हैं उनका अंतर देखना है, वो क्या होगा, या तो 0 होगा या क्या होगा, 11 से भाज्य होगा, तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। ये नियम किसके लिए था दोस्तों, 11 के लिए था। अब एक छोटी सी अपन टेबल बना लेते हैं, उस टेबल को ध्यान क्या रखना है, उसमें जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके हिसाब से हमको उसको ध्यान रखना है कि भाई किस किस से भाजकता के नियम हमको पढ़ने हैं उस टेबल को। जैसे पहला कौन सा था, 7 से भाज्य, कि कौन सी संख्या होगी जो 7 से भाज्य होगी, ठीक है। दूसरा कौन सा था, 11 से भाज्य, वह कौन सी संख्या होगी जो 11 से भाज्य होगी। तीसरा कौन सा था, 13 से भाज्य,
हमको ये देखना है कौन सी संख्या 13 से भाज्य है, फिर देखना है 17 से भाज्य, कौन सी संख्या 17 से भाज्य है, फिर देखना है 19 से भाज्य कि कौन सी संख्या 19 से भाज्य है, फिर देखना है 23 से भाज्य कि कौन सी संख्या 23 से भाज्य है, और लास्ट में किसका देखना है 29, 29 से भाज्य। नीचे दिख रहा है ना, लिख लेना, नीचे दिख रहा होगा अगला कौन सा है 29 से भाज्य। तो दोस्तों सीधे सीधे ट्रिक को याद कर रहना है, 11 से भाज्य के पहले लिख देते हैं हम, क्या करते हैं सम और विषम स्थानों का अंतर, ये तो किसमें लिख दिया हमने 11 से भाज्य में। बताओ 7 से भाज्य में किसका गुणा करते हैं 5 का, 13 से भाज्य में किसका गुणा करते हैं 4 का, 17 से भाज्य में किसका गुणा करते हैं 12 का, 19 से भाज्य में किसका गुणा करते हैं 2 का, 23 से भाज्य में किसका गुणा करते हैं 7 का, 29 से भाज्य में लास्ट बताया था किसका गुणा करते हैं 3 का। जो छोटी सी टेबल याद रख लेना, इससे हमको क्या ध्यान रहेगा कि हम किसी भी संख्या के इकाई का क्या ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो है ना, अगर पेन कॉपी हो तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, फिर चलते हैं आगे इसी में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हमारे क्या हो गए सारे सारे भाजकता के नियम। अब तुम दिमाग में तुम्हारे में एक बात आएगी कि सब आपने 12 से भाजकता का नियम नहीं पढ़ाया। अब एक बात बताओ, जिनके टुकड़े हो सकते हैं, मैंने 4 का बता दिया, 3 का बता दिया, 12 के टुकड़े क्या होंगे 4 × 3 मतलब जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा, उस संख्या में 12 का भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 21 से भाजकता का नियम साहब आपने नहीं बताया, क्या करो 21 के टुकड़े क्या है 7 और 3, जिसमें 7 का जाएगा, जिसमें 3 का जाएगा, उसमें 21 का तो जाएगा ही जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, भाजकता का नियम अब तुम 1 से लेकर 2 से लेकर कहां तक 30 तक भाजकता का नियम आराम से पढ़ सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैंने क्या बनवा दी, पहले टेबल बनवा दिए। वीडियो अच्छी लगे अधिक से अधिक क्या करो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को क्या करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी और वीडियो आगे आने वाली है मैथ के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी का, जय हिंद।